खबर भीगनगांव से प्लाग रन स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों को गति देने और सहभागियों के प्रोत्साहन के लिए प्लाग रन स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव कार्यक्रम के तहत शनिवार को भीगनगांव नगर के शहीद चंद्रशेखर आजाद बस स्टेशन से एक मैराथन दौड़ का आयोजन सुबह 10 बजे बस स्टेशन से नगर के गांधी चौक तक किया गया, जिसमें दौड़ में प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले युवाओं को मुख्य अतिथियों द्वारा शील्ड प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद स्वच्छता प्रभारी मयंक जैन ने सभी से कहा कि हम सभी को मिलकर हमारे भीगनगांव नगर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है और डिस्पोजल पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना है। इस दौरान कार्यक्रम में तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य, नगर परिषद अध्यक्ष दीपक ठाकुर, CMO मोहन सिंह अलावा, नगर परिषद स्वच्छता प्रभारी मयंक जैन सहित नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी और नगरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजन में हमारे जो युवा बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं सभी ने सहभागिता करी और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि हमारा देश स्वच्छ बने, स्वस्थ बने, उसी कड़ी के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का यह कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में तहसीलदार महोदय आदरणीय श्री योगेंद्र सर्वेक्षण को लेकर आज किस तरह का आयोजन था दौड़ को लेकर? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर पूरे प्रदेश भर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, स्वच्छता को लेकर जो संदेश था, एक मैराथन दौड़ का हमको आयोजन करना था नगर परिषद भीगनगांव के माध्यम से। नगर के युवा बच्चों के द्वारा दौड़ में सहभागिता की गई और उसमें नगर परिषद के द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। खबर भारतवर्ष के लिए भीगनगांव से अर्पित जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।